नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बैक टेस्ट और ऑप्शन डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन बैक टेस्ट का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, क्या है ये फीचर, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्ट्रीक के स्ट्रेटजी क्रिएशन के पेज के ऊपर हूँ। यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे बैंक निफ्टी की। आप चाहे तो किसी स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है, किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको किस तरह से स्ट्रेटजी क्रिएट करके इसके अंदर डिप्लॉय करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो स्किप करेंगे तो अगर एक भी चीज आपने यहाँ पे स्किप करी तो आपको स्ट्रेटजी बनाने के अंदर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आपको भरना होता है स्क्रिप्ट का नाम। तो जैसे कि सपोज कीजिए आपने बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, तो बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडाइसेस दिख रहा होगा आपको, ये सिलेक्ट करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू कन्वर्ट टू डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट। ये है आपका डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का फीचर। अब इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसका एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खुल गया। अब इसके अंदर आपको कॉल पे जाना है या पुट पे जाना है, मतलब सी का मतलब कॉल ऑप्शन हो गया आपका और पी का मतलब पुट ऑप्शन हो गया आपका, कि कॉल में आपको काम करना है या फिर पुट में काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्ट्राइक्स ऑफसेट फ्रॉम द एटीएम। अब स्ट्राइक प्राइस जीरो का मतलब ये एट द मनी के ऊपर काम करेगा। अब एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ये क्या होता है, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर, जहां पे कि आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है, क्योंकि इसके बिना आपको स्ट्रेटजी समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे देखिए अभी डिफॉल्ट के अंदर निफ्टी की यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रही है आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी देखिए इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉल साइड है, लेफ्ट वाली साइड आपकी कॉल की है, राइट वाली साइड जो आपकी पुट की है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये आपका कॉल है और पुट है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉल पे काम करना है या फिर आपको पुट पे काम करना है। तो यहाँ पे इसके बाद जो 33,000 आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका एट द मनी होता है, कॉल साइड की बात बता रहा हूं मैं अभी। उसके बाद जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलते हैं, मतलब कि यहाँ पे कॉल साइड में जब बढ़ता है आपका 33,100, 33,200, 33,300, तो ये आपका कॉल साइड की ओटीएम हो जाते हैं, मतलब कि आउट ऑफ द मनी, ये आपकी मनी आउट जा रही है, कॉल आपकी बढ़ रही है। और अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे 33,900, 32,800, तो जितना अंदर जाएंगे वो सब आपका आईटीएम होता है। तो सपोज कीजिए आपने ओटीएम जाना है, मतलब कि आउट ऑफ द मनी जाना है, कितना आउट ऑफ द मनी जाना है, अगर एक आउट ऑफ द मनी जाना है मतलब आपको 33,100 के ऊपर आपको काम करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वन। और अगर आपको थोड़ा सा और ऊपर जाना है, समझ लीजिए 33,200 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है टू। अब आपको अगर आउट ऑफ द मनी ना जाके इन द मनी जाना है तो आपको क्या करना है, समझ लीजिए आपको यहाँ पे कॉल के ऊपर 32,900 के ऊपर काम करना है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे माइनस वन, तो क्या करेगा आपका इन द मनी लेना स्टार्ट कर देगा। और आपको इन द मनी जाना है तो माइनस टू कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी एटीएम, ओटीएम और आईटीएम हो गई, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एटीएम के साथ चलेंगे यहाँ पे। अब एक्सपायरी देखिए इसके अंदर आपको नेक्स्ट मिलती है और करंट मिलती है, तो आप चाहे तो इसमें करंट एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं या फिर अगली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट के ऊपर जाएंगे। अब एक्सपायरी टाइप देखिए, एक्सपायरी टाइप आपको मिलती है मंथली और वीकली दोनों मिल जाती है। मंथली आपकी सारे ऑप्शन जो भी एफएनओ की आपकी स्क्रिप्ट है सब में चलती है, और वीकली आपकी बैंक निफ्टी के अंदर चलती है या निफ्टी के अंदर चलती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आपको करना है तो आप मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वीकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं। वीकली करेंगे तो प्रीमियम आपको कम मिलेंगे, मंथली करेंगे तो प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो ज्यादा होगा आपका। तो आपके ऊपर आपको किसके ऊपर जाना है वो आप बैकटेस्ट करके इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मंथली के ऊपर चलता हूं। अगला ऑप्शन है ऑर्डर टाइप का। तो यहाँ पे आपके होता है लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब कि आपको कॉल को लॉन्ग करके चलना है या फिर शॉर्ट करके चलना है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है हम ऑप्शन को बाय भी करके चल सकते हैं और सेल भी करके चल सकते हैं। तो आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो सिलेक्टेड कॉल ली है उसे आप लॉन्ग करके चले या शॉर्ट करके चले। इसके बाद लास्ट है आपका कैंडल चेंज फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको जो ऑर्डर लेना है वो किस बेस पे लेना है। अगर यहाँ पे आप कैंडल सिलेक्ट करते हैं तो जो आप इंडिकेटर बनाएंगे, जो भी इंडिकेटर आप देंगे तो कैंडल के बेस पे होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देते हैं डे ओपन तो क्या करेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी है आपका, बैंक निफ्टी का डे ओपन कितना था आज मैं देख लेता हूँ, एक मिनट का चार्ट, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 15 मिनट। और आज का चार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये था इसका डे ओपन, 9:15 कैंडल ये आपकी। तो इसका ओपन प्राइस था देखिए 32,529। तो इस टाइम पे अगर मार्केट ओपन होता आपका
और अगर आप इसके अंदर एट द मनी लेते तो ये आपका लेता 32,500 आपका एट द मनी रहता, अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते एक तो 32,600 आपका लेता, ओपन प्राइस के हिसाब से लेता आपका यहाँ पे ये ट्रेड। अगर आप इसके अंदर सिलेक्ट करते क्या डे ओपन, तो डे ओपन का मतलब सिंपल है कि आज का जो भी ओपनिंग प्राइस है उसके हिसाब से आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे कैंडल रहने देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, इसको करते हैं डन। और इसके बाद बाय, इसके अंदर देखिए आपको क्वांटिटी नहीं, इसमें लॉट भरना है, आपको एक लॉट पे काम करना है तो एक भरिए, दो पे करना है तो दो भरिए, वो आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे एक लॉट से आपको दिखा रहा हूं करके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ पे आपको भरनी है एंट्री कंडीशन, किस एंट्री कंडीशन पे आपको कॉल को एटीएम कॉल को बाय करना है बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन डालता हूं मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपका, देखिए सबसे पहले तो सिंपल हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने ऑप्शंस के अंदर तो इसको बताना पड़ता है कि आपको किसके ऊपर सिग्नल लेना है। तो सिंपल के अंदर हम निफ्टी बैंक डालेंगे, अगर आप निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो निफ्टी डालना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी डालना पड़ेगा, किसी स्टॉक के ऊपर डाल रहे हैं जैसे मारुति या एसबीआई हो गया तो आपको उसका नाम डालना पड़ेगा। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, सिंबल के हिसाब मतलब कि सिंबल के आगे आपको उन स्क्रिप्ट का नाम डालना पड़ेगा जिसके ऊपर की आप यहाँ पे सिग्नल लेना चाहते हैं। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम प्लस करेंगे क्लोज क्लोज प्राइस, ऑफसेट जीरो रन देंगे, यहां पे डालेंगे क्रॉसेस अबव और यहां पे डालेंगे सिंपल डालते हैं मूविंग एवरेज। तो यहां पे हम डाल देंगे मूविंग एवरेज, तो यहां पे हम डाल देते हैं फील्ड क्लोज, यहां पे 20 की डिफॉल्ट रहने देते हैं और यहां पे सिंपल रहने देते हैं, इसको डन करते हैं। तो यहां पे कंडीशन बन गई, देखिए कि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जब क्लोज प्राइस क्रॉस करेगा मूविंग एवरेज 20 के तो आपका ट्रेड यहां पे इनिशिएट हो जाएगा, किसमें, इस ऑप्शंस के अंदर, मतलब इस ऑप्शन में आपका क्रिएट हो जाएगा। मतलब कैसे, अब समझ लीजिए आपने यहां पे लगाया 5 मिनट का चार्ट, यहां पे हमने 1 मिनट, यहां पे हमें 5 मिनट सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर 5 मिनट पे काम करेंगे, आप चाहे तो 1 आवर पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आपका है जैसे कि 5 मिनट का चार्ट है, तो अगर आज की बात करें तो देखिए ये है आपका जो सेकंड कैंडल है इसका क्लोज क्रॉसेस अबव, देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर आपका क्लोज हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज है आपकी और यहाँ पे आप देखते हैं इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती और यहाँ पे जो भी आप स्टॉप लॉस रखते, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रख दिया समझ लीजिए 1% का और टारगेट रख दिया मैंने यहाँ पे 2% का, तो 1% का स्टॉप लॉस हो गया आपका और 2% का टारगेट हो गया आपका। तो बैंक निफ्टी के ऊपर जब भी आपका 1% का टारगेट सॉरी 2% का टारगेट या फिर 1% का स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप ट्रेड में से यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पे हमने स्ट्रेटजी क्रिएट कर ली, इसी हिसाब से स्ट्रेटजी का नाम हम डाल देते हैं सिंपल ऑप्शन टेस्ट और इसको हम करेंगे सेव एंड बैक टेस्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमें 17% का प्रॉफिट हुआ है, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं टोटल 57 आपके सिग्नल हैं, 29 विंस है आपके, लूजेस 28 है, विनिंग स्ट्रीक 4 है और लूजिंग स्ट्रीक भी 4 है। यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम गेन 1300 का है, मैक्सिमम लॉस आपका 1200 का है, एवरेज गेन आपका 668 का है, एवरेज लॉस 335 का है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल में जाएंगे, सबसे लास्ट कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे किस तारीख की है आपकी, लगभग 6 अप्रैल की है। तो 6 अप्रैल को देखिए आपका 9:25 पे ट्रेड आया है, तो 6 अप्रैल को चलते हैं हम, 6 अप्रैल जी, तो 6 अप्रैल को देखिए 925, ये आपकी 925 की कैंडल हुई, यहाँ पे क्लोज दिया इसने और यहाँ पे देखते हैं, देखिए 6 अप्रैल को 925, देखिए 925 के ऊपर इसने ऑप्शंस के अंदर एंट्री ले ली जो भी प्राइस इसको वहां पे मिला था और उसके बाद 2% टारगेट और 1% स्टॉप लॉस के हिसाब से इसने यहाँ पे इसको सेल कर दिया -25 क्वांटिटी, एक लॉट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड चल रहा है आपका। तो ये इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं अलग अलग इंडिकेटर के ऊपर, चाहे आप मैकडी यूज करें चाहे आरएसआई यूज कीजिए, अगर आपको किसी स्टॉक के ऊपर करना है आप स्टॉक के ऊपर करिए, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको एक मिनट, यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे आपको एसबीआई पे करना है तो एसबीआई डालिए, यहाँ पे एसबीआई पे आपने क्लिक किया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खुल जाएगा, इसमें आप कॉल लीजिए, इसके अंदर करंट लीजिए या इसके अंदर करंट या नेक्स्ट लीजिए, इसके अंदर आपको सिर्फ मंथली आएगा क्योंकि आपका स्टॉक है, स्टॉक में आपको वीकली ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑर्डर टाइप लॉन्ग या शॉर्ट दोनों आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आपकी डे ओपन या फिर कैंडल के बेस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। डन करेंगे तो आपकी देखिए यहाँ पे एसबीआई की स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें सिंबल की जगह जहां पे आपको बैंक निफ्टी लिखा था यहाँ पे आप लिखेंगे सिंबल, यहाँ पे लिखेंगे एसबीआई, यहाँ पे लिखेंगे आप क्लोज,
मतलब कि यहाँ पे आपको जिस भी सिग्नल जिस भी चार्ट के ऊपर सिग्नल चाहिए ना वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसको डन कीजिए, क्लोज। यहाँ पे लिखिए क्रॉसेस अबव, यहाँ पे लिखिए मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज कहाँ गया, ये रहा, इसको हम कर देंगे डन। यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैं हटा देता हूँ, कहाँ है आपका, इसको हटा दिया हमने, बाकी सब कुछ सेम रहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। और इसको बैक टेस्ट हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 19% का आपको प्रॉफिट मिला है और इसका एक लॉट आपका होता है 3000 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3000 क्वांटिटी आपकी यहाँ पे ट्रेड हुई है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के ऊपर ऑप्शन को बैकटेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट पैरामीटर्स में जाके इसमें कुछ भी चेंज कर दे सकते हैं, जैसे कि आपने स्टॉप लॉस 1 का दिया है, टारगेट आप इसके अंदर 5 का देके देख लीजिए, इंटरवल आप इसके अंदर 15 मिनट का कर लीजिए, सॉरी यहाँ से 15 मिनट कर लीजिए, इसके बाद सेवन बैकटेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो जहां भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, यहाँ देखिए आपको नेगेटिव में रिजल्ट आ गए, इसलिए मैंने कहा था कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी टाइम फ्रेम हो वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसको बैकटेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 15,000 का प्रॉफिट रहा है आपको पिछले कितने दिनों में, आपका ट्रेड ये रहा है लगभग देखेंगे तो आप 9 मार्च से लेके लगभग आपका 6 अप्रैल, मतलब कि एक महीने का है आपका ये सारा का सारा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के ऊपर और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अलर्ट मिल जाएगा जैसे आपकी कंडीशन कंप्लीट होगी और आप वहां से क्लिक करके अपने पोजिशन को ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और कई लोगों की क्वेरी थी कि सर हम ऑप्शंस के अंदर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड अपने ऑप्शंस के। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।